आज के इस दीक्षांत समारोह के मंच पर आसीन हम सबकी श्रद्धे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि आर के त्यागी जी, विशिष्ट अतिथि जो मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी भी है ऐसी रजनी तिवारी जी, यहाँ के कुलपति आनंद कुमार त्यागी जी, कुल सचिव, कार्य परिषद और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, संकाय के अध्यक्षगण, यहाँ सभा कक्ष में आए हुए अतिथिगण, शिक्षकगण, मीडिया कर्मी, विद्यार्थी बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया और उपाधि प्राप्त की और पदक प्राप्त किए। मेडल आपको मिले हैं, ये दीक्षांत समारोह इस बात के लिए है कि समाज में आप मॉडल बनकर आए। पदक आपको मिल गए, इन सबके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, क्योंकि आपने तो मेहनत की ही है, अपने उन माता पिता का भी त्याग है, संघर्ष है, बलिदान है, जिनके पर्दे के पीछे इन गुणों के कारण आप इस मुकाम पर पहुंचे। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उन गुरुओं का भी सहयोग है आपको, जिन्होंने आपको दिशा दी, उनको भी इस मंच से मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। मित्रों, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी इस देश ने तीन मौलिक राजनीतिक चिंतक दिए हैं। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, तो जिन्होंने एक मौलिक राजनीतिक चिंतन दिया, देश को आजाद कराया, हम सबके बापू कहलाए, ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर यह विद्यालय है और काशी विद्यापीठ इसमें जुड़ा हुआ है। यानी ज्ञान का, विद्या का, विवेक का दान करने वाला, मानव जीवन में प्रस्फुटित करने वाला एक केंद्र है काशी। तो अनादिकाल से शिक्षा और संस्कार का, संस्कृति और चेतना का, ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहा है। इसने पूरे विश्व को दिशा दी है सांस्कृतिक चेतना के लिए, विद्या के लिए, विवेक के लिए, और संपूर्ण राष्ट्र को मानवता की, और संपूर्ण राष्ट्र को और मानवता को एक दिशा दी है। शास्त्र
पीड़ा जो मन में आई है मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। पीड़ा ये पूछ रही है कि शिक्षा का ये केंद्र, विवेक देने वाला ये केंद्र, ज्ञान प्रज्ञा का ये केंद्र जब देश का निर्णय लेता है तो क्यों बहुत छोटा हो जाता है। जो सांस्कृतिक चेतना दी है पल्लवित किए जिस शहर ने, समाज को एक सूत्र में परोया है, यहां वो शख्सियत हुई है, वो व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने पूरी मानवता को एक सूत्र में परोया, एकात्मता दी, एकता दी, वो गलती कैसे कर गया, क्यों हुआ ऐसा, ये हम सबको सोचना होगा। एक विराट व्यक्तित्व में हम जाति ढूंढते रहे, कितना विराट व्यक्तित्व था उसमें हम जाति तलाश रहे थे, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को हम जाति तराजू पर तोल रहे थे। ये पीड़ा मन में है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पूरे देश को है। हम कहां जाएंगे कि देश को किधर ले जाना चाहते हैं। एक और वो व्यक्तित्व जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर चांद तक के बारे में सोच रहा है, सूरज तक देश के विज्ञान को पहुंचा रहा है, वो है। और दूसरी ओर कौन है मैं कहना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। देश दो राह पे खड़ा है, इससे दो मानसिकता बन चुकी है देश में। एक और वो है मानसिकता जो कहती है कि मैं गर्दन पे तलवार रख दूं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो कहती है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। किधर ले जाना है देश को। एक और वो मानसिकता है कि मैं और मेरा परिवार, ये राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा मैं मित्रों, मैं बुद्धिजीवियों के बीच में बैठा हूं जो देश को दिशा देंगे और जो देश को आगे जिनको सौंपना है देश, इस समाज को, वो बैठे हैं। तो तय करना होगा कि कहां देश को ले जाना है। एक और वो लोग मानसिकता के हैं जो मैं और मेरा परिवार, और एक वो है जो कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम नमम, ये मेरा पूरा जीवन देश के लिए है, मेरे लिए नहीं। एक वो मानसिकता खड़ी है। स्वार्थ परक मानसिकता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानसिकता है। एक तरफ विदेशी साजिशें जिनके साथ खड़ी हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ पूरी राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत मानसिकता है, किस तरफ चलना होगा यह सोचना होगा। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश में एक नेता कहता है, एक मानसिकता उसके तरफ सामने उसके बगल में खड़ी होती है, दूसरी तरफ मेरा नेता लंदन के चौराहों पर, न्यूयॉर्क के मैदानों पर, मास्को के स्क्वायरों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है। आम भारतवासी का सीना 56 इंची का होता है, किधर ले जाना है देश को यह सोचना।
इसी काशी की भूमि पर विदेशियों से गंगा माता की आरती उतरवाता है, देश की संस्कृति को पुजवाता है, वो देखना होगा। दूसरी तरफ कौन लोग हैं मैं बताना नहीं चाहता, तय करना होगा इस काशी को क्या नहीं दिया एक व्यक्तित्व में। वो व्यक्तित्व नहीं, युग पुरुष जो देश का कलेवर बदल रहा है, देश का कलेवर बदल रहा है। कौन दिशा देगा इनको, इस समाज को कौन दिशा देगा? शिक्षक, शिक्षा, शिक्षक, शैक्षिक संस्थाएं और ये शिक्षार्थी बैठे हैं, वो चाणक्य इस देश में एक शिक्षक हुआ है। मैं शिक्षकों से गुजारिश करता हूं कि वो आने वाले समाज को, आने वाले पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को दिशा देने वाले हैं। चाणक्य ने क्या किया था इस देश में? उसने बिरादरी नहीं देखी थी, प्रतिभा को तलाशा था, फिर तराशा था और पूरे हिंदुस्तान को, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामाख्या तक एक करके विदेशी से चुनौती ली थी और देश का परचम लहराया था। स्वर्णिम युग था। हम शिक्षक चाणक्य के वंशज हैं, चाणक्य के गुणों को अंदर आत्मसात करना चाहिए। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ इसलिए आपके शेयर कर रहा हूं, ये बात पीड़ा है इसलिए शेयर कर रहा हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज को सुधारने में शिक्षा की होनी चाहिए। शिक्षार्थी आप लोग जो विद्या अध्ययन करके अपने भविष्य को तय करेंगे, आपको सोचना होगा कि चंद स्वार्थी लोग कुछ झुकझुका दिखाकर ये तो अपने हैं, अपना है, अपव है, ये कहकर गुमराह करेंगे, या समुद्र के तल से सूरज तक देश के विज्ञान को ले जाने वालों को हम आगे बढ़ाएंगे, यह तय करना होगा। शिक्षा वो जो संस्कार दे, शिक्षा वो जो व्यक्ति का निर्माण करे, शिक्षा वो जो राष्ट्र का निर्माण करे। आप शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माण करने वाले बनाने होंगे नौजवान, और शिक्षण संस्थाओं को भी दिशा देनी होगी, तभी देश का भविष्य जो विश्व गुरु बनने वाला है उस ओर अग्रसर हो चुका है, वह बनेगा जिसने एक आम हर भारतवासी का सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा पहुंचा दिया है। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैं पेरिस गया था, हमारे जीजाजी 20 साल पहले पेरिस गए थे। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहां जा रहे हो पेरिस? मैंने कहा योगी जी भेज रहे हैं, एक इन्वेस्टर मीट है, जो इन्वेस्टर से मिलना है, उसको इनवाइट करना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बोले वहां हिंदुस्तानियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, तुम कहोगे आई एम इंडियन तो बहुत उपेक्षा से देखेंगे। मैंने कहा जहां जाना है भेजा है जाएंगे। गया, इन्वेस्टर से बात की, महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ। मैं आगे पहुंचा, शाम को वहां का परफ्यूम फेमस है, उसको खरीद रहे। एक दुकान में एंटर किया, वहां का आदमी पहले फ्रेंच बोलता है, जब तक यह नहीं जाने कि आप फ्रेंच नहीं जानते, इंग्लिश नहीं बोलता। ये वहां का स्वाभिमान है, राष्ट्रभाषा के प्रति उनका संकल्प है। वहां दो सेल्स गर्ल्स थी, उन्होंने मुझसे कुछ फ्रेंच में बोला, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं फ्रेंच जानता नहीं था। फिर ये कहने में कि क्या कहूं, तो मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर? अब छटका सा लगा एक सेकंड को माइंड पे कि यहाँ के लोग बड़ी उपेक्षा से देखते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतवासी हूं। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया।
बोले ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम, ये दिया है मेरे नेता ने आम हिंदुस्तानी को, यह सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, देश को किधर ले जाना है यह तय करना होगा आप लोगों को कि आप आने वाले भविष्य में। कि छोटी छोटी बातों में बोलझ कर देश को कहां ले जाएंगे। वो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, विकासशील राष्ट्रों में निचले पायदान पर था हिंदुस्तान। 10 साल में उन्होंने दुनिया की पांचवी आर्थिक शक्ति बनाया है, उस देश को पछाड़ा है जिसने कभी बरसों हमारे यहां हुकूमत की थी। तीसरी पायदान पर ले जाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं। दायित्व लिया है तो दायित्व बोध भी है, उसका निर्वहन भी है। सिर्फ बोध ही नहीं, निर्वहन भी है। हमारी महामहिम बैठी है यहां पर, गवर्नर है, कुलाधिपति है, शिक्षा क्षेत्र में। छोटी छोटी बातें देखता हूं मैं। कल पिकअप, पिनअप एंड पुशअप, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण ऐसे होता है। कल कुछ किसान कभी मिले होंगे इनसे फ्लावर शो में जो गवर्नर हाउस में लगता है, वहां से उन्होंने उनको पिकअप किया, कुछ जिनमें प्रतिभा थी, फिर उनको सहयोग किया, पहले पहचाना, फिर प्रोत्साहित किया, फिर उनकी पहचान बना दी। आज बड़े अच्छे व्यापारी बनने जा रहे हैं। कल मैं उसको देख रहा था कि इनका कर्तव्य बोध है और निर्वहन करने की क्षमता और भाव भी है। ये क्यों नहीं हम लोगों के बीच अपनी पैदा होती, आज संदेश देती है महामहिम। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी, कुलाधिपति बनी, इस उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी शिक्षा क्षेत्र में। एक भी विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में नहीं था, रैंकिंग में कहीं ग्रेड नहीं था, और आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालयों का केंद्र बन गया है। ये दिया है, चाहे नैक रैंकिंग हो, चाहे यूजीसी रैंकिंग हो, चाहे और रैंकिंग हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन गया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय है यहां पर। हमें अपने आचरण से संदेश देना चाहिए, जैसे मैडम देती है। विकसित भारत की कल्पना करता है यदि मेरा नेता, तो विजन देता है, तो मिशन बनाता है, फिर पैशन से लगता है। आप सबके बलबूते पे उन्होंने ये किया है, तो आप सबको विकसित भारत की जो कल्पना की है 2047 तक, उस महायज्ञ में आप लोगों को भी अपनी आहुति देनी होगी। छोटे छोटे स्वार्थों से नहीं, बड़े सोच बनाकर। अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटी बातें करना छोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।